दोस्तों आज आपको एक रिक्वेस्टेड वीडियो देखने को मिलेगा और ये रिक्वेस्ट है हाई नेक पे। देखिए बैक साइड पे इस तरीके से ये हाई नेक होगा और हाई नेक और बोट नेक पे बहुत ही फर्क होता है। हाई नेक अलग है, हाई नेक अलग है और बोट नेक अलग है, और फ्रंट साइड पे उनको भी नेक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग भी की तरह है, ये भी नहीं है, पाट भी नहीं है। वैसे मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पे बना लिया था। तो ये जो मेथड है ना, इसी मेथड पे आप लोग कर सकते हो। तो ये जो ब्लाउज है ना मेरे बॉडी पे, इस ब्लाउज का काटिंग और सिलाई का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना। तो उनको इस तरह का ब्लाउज करना है, तो उन्होंने उनका मेजरमेंट मुझे सेंड किया था। तो उनका जो मेजरमेंट मुझे बोला था वो अपर चेस्ट उनका 41 है, फुल बस्ट का कोई भी मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया। तो उनका अपर चेस्ट है 41, लेकिन उन्होंने ब्लाउज तैयार कर दिया, फिर क्या हुआ, फिटिंग करते टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। जब हाई नेक ब्लाउज होता है उस टाइम पे अगर आपका अपर चेस्ट 41 होता है तब यहाँ पे आपको 42 पे फिटिंग्स देना है। लेकिन जब उन्होंने 42 पे फिटिंग्स दिया तब उनका ब्लाउज नहीं हुआ है, वहां पर टाइट हुआ है। तो उन्होंने जब 44 पे फिटिंग्स दिया तब उनका यहाँ पे परफेक्ट हुआ। तो देखिए ब्लाउज का मेजरमेंट लेते टाइम आपको ध्यान से लेना है। मैं हर वक्त आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अलग से मेरे चैनल पे वीडियो है ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। कभी भी आपको यहाँ पे खींच के नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों का मेजरमेंट आपको बराबर होना है। अगर फुल बस्ट का मेजरमेंट भी आप ज्यादा करके लेते हो पिंचेस का ब्लाउज पे, उस टाइम पे आपका ब्लाउज फिटिंग में दिक्कत होगा। इसलिए आप मेजरमेंट लेते टाइम ध्यान से लीजिएगा, और जब प्रिंसेस कट काटिंग करते हो ना उस टाइम पे भी आपको ध्यान से देना है। शेप देते वक्त, ट्रैक्स देते वक्त आपको सही तरीके से देना है। अगर आपके ब्लाउज का साइज ज्यादा है तो ध्यान रखना है आपका ट्रैक्स भी हमेशा ज्यादा होगा। तो आपका काटिंग पर दिक्कत हुआ है, बॉडी से मेजरमेंट लेते टाइम दिक्कत हुआ है, जिसके कारण आपका फिटिंग्स में यह प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो आपका ब्लाउज पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बॉडी से कैसे कैसे मेजरमेंट लेना है उसका वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज मैं आपको 41 के हिसाब से काटिंग दिखाऊंगी, स्लीव्स का लंबाई कम रखूंगी, बाकी पूरा ब्लाउज सेम तरीके से होगा। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो फिर चले दोस्तों कैसे ये ब्लाउज काटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं। बैक पार्ट हमें फैब्रिक पे काटिंग करना है, तो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है। पहले लंबाई लेना है, तो इस साइज पे मिनिमम आपको 16 लंबाई लेना है। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है उस टाइम पे आपको 17 लेना है। तो यहाँ पे मैंने 16 लिया, ये फ्री साइज के लिए परफेक्ट है। अभी शोल्डर देखिए, शोल्डर देखिए हमेशा आपको अपने शोल्डर के हिसाब से लेना है। जितना आपका शोल्डर का मेजरमेंट आते हैं उसके साथ आपको हाफ पीस एड कर लेना है। तो ये जो साइज है ना, इस साइज पे कभी कभी 7.5 इंच होता है सिलाई मार्जिन लेके टोटल, कभी कभी किसी का 7.25 होता है। तो 7.25 या नॉर्मल साइज है किसी का भी हो जाते हैं। अभी यहाँ से देखिए हाई नेक पे जरूर आपको 7.25 इंच डाउन करना है, ध्यान में रखना है। हाई नेक पे जरूर आपको 1 इंच से 2 सूत कम आपको यहाँ पे डाउन करना है। अभी आर्महोल के लिए देखिए, अगर आप बिल्कुल फिटिंग्स रखना चाहते हो उस टाइम पे आप 6 इंच रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हल्का सा अगर लूजिंग रखना चाहते हो उस टाइम पे आप 6 इंच से 2 सूट ज्यादा भी ले सकते हो, 6 इंच से 3 सूट ज्यादा भी ले सकते हो। तो 6 इंच से मैं 3 सूट ज्यादा रखूंगी, फ्री साइज में होगा, किसी का भी ये परफेक्ट होगा। बराबर इसको पहले मिलाना है, इसको भी हमें मिलाना है। अभी देखिए छाती का चौथा हिस्सा लेना है, तो 10 इंच से यहाँ पे 2 सूच ज्यादा लेना है, इसके साथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ तक ये हो गया है। आर्महोल की गोलाई के लिए लगभग हाफ इस पे यहाँ पे निशाना लगा लेना है। इस साइड पे हल्का सा अंदर की साइड से लेना है, थोड़ा सा जरूर यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन करके लेना है। जो लोग बोलते हो ना यहाँ पे डाउन करने से आर्महोल लूज होता है, आप लोग एक बार देखिएगा मेरे मेथड से काटिंग और सिलाई दोनों करना है, उस टाइम पे देखिएगा आपका परफेक्ट होगा। टोटल देखिए जितना आप एडजस्ट हुआ है उससे हमें हाफ पीस कम लेना है कमर के लिए। इस तरीके से लेने से क्या होता है, अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। 12 इंच 2 सूत कम रखना है। अभी देखिए यहाँ पे 3.5 इंच आपको रख देना है। जब भी हाई नेक होता है तब आप 3.5 इंच रख दीजिएगा, दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिलाना है। पीछे देखिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो बिल्कुल शोल्डर के साथ चिपका भी रख सकते हो या हल्का नीचे की तरफ भी दे सकते हो। तो इसमें मैं 2.5 इंच रखूंगी,
इसको पहले बॉक्स तैयार कर लेना है ऐसे। अब इसमें राउंड शेप देना है, हो गया है। टक्स के लिए आपको 6 इंच पे रख देना है, ऊपर की तरफ आप 6½ इंच उठा लो, हो गया। तो सीधी साइड पे मुझे निशाना ज्यादा नहीं देना है। इसमें देखिए जो धागा है ना, धागा के लिए जब निशाना लगाऊंगी ना आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण मैंने सीधी साइड पे यहाँ पे ब्लाउज का निशाना दिया, लेकिन आपको सीधी साइड पे नहीं लेना है, आपको रॉन्ग साइड पे लेना है। तो बैक साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। अब इसमें देखिए हल्का सा उठा लो, हाफ इंच, हाई नेक पे ज्यादा नहीं देना है, हल्का सा देना है तिरछा करके। अब इस स्लीव्स की गोलाई के लिए देखिए 9 इंच से लगभग 2 सूत कम हुआ, 2 सूत नहीं 3 सूत कम हुआ है, फिर मैं 2 सूत कम रखूंगी। तो जितना हुआ है ना उसके साथ आपको हाफ इंच ऐड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 9 इंच से 2 सूत ज्यादा रखूंगी। इस तरीके से आपको हाई नेक पे करना है, जितना मिलता है ना उसके साथ आपको हाफ इंच ऐड करना है। आप चाहो तो और भी थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीव्स के लंबा ज्यादा नहीं रखूंगी मैं, 7 इंच रखूंगी, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो हर लेंथ का स्लीव्स कैसे कटिंग करना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। इसमें देखिए ओपन साइड है। अभी यहाँ पे देखिए 9 इंच से 2 सूत ज्यादा लेना है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूंगी। तो इतना एक्स्ट्रा है, चाहो तो मैं अंदर रख दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे रख दूंगी। अभी नीचे की तरफ डाउन करना है, 4 इंच पे मैं डाउन कर दूंगी, वो तिरछा करके मिलाना है इसके साथ। ये मेरा मेन पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा है। अब यहां से 2.5 इंच अंदर लेना है, इसको ऐसे मोहरी पे तिरछा कर दो। जितना देखिए मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना, इतना एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी फ्रंट के लिए देखिए आपको ज्यादा करके यहाँ पे शेप देना है, क्योंकि ये हाई नेक है, हाई नेक पे जरूर आपको फ्रंट पे ज्यादा करके शेप देना है। इसमें भी हल्का सा काट लगा के रख देना है, तब सिलाई करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए जितना बैक साइड पे शोल्डर लिया था ना, सेम आपको यहाँ पे पहले निशाना देना है 1/4। अब इसको यहाँ पे रख देना है, इसको ऐसे तिरछा कर दो। और नीचे देखिए 1½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें देखिए जिन लोग का फुल बाज बिल्कुल भी नहीं है वो यहाँ पे 1 इंच से 2 सूत ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको तिरछा करके मिलाना है, देखिए इस तरीके से तिरछा हुआ है, देखिएगा हो गया है। अभी ऐसे मिलाने के बाद इसको बैक पार्ट के हिसाब से निशाना देना है। अब इसको हटा लेना है, पहले इसको बराबर मिलाना है। अभी देखिए पहले फ्रंट आर्महोल का शेप देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए 6 इंच से मैं 300 ज्यादा लिया था, उसी हिसाब से पहले इसको सीधा करना है। यहां से हमें 1/4 इंच ज्यादा लेना है, इसको भी तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। अब इसमें शेप देना है, अभी फ्रंट पे देखिए उनको फ्रंट नेक भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी रखूंगी। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे 7 इंच रख दीजिएगा। अगर बहुत छोटा पहनना है तो 6½ इंच, नहीं तो 7 इंच रख दीजिएगा। इसको तिरछा कर लेना है, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है पूरा ऐसे भी नहीं रखना है, हल्का सा इसको इस तरीके से शेप देना है, ऐसे होगा, नहीं तो फिटिंग्स आपका अच्छा नहीं होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है,
पिंचेस कट पे जरूर आपको नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस सेट पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, सेम आपको इस सेट पे भी रख देना है। इसके साथ इसको मिलाना है। अभी शोल्डर से आपको बस्ट पॉइंट लेना है। 41 साइज पे आपको मिनिमम सिलाई मार्जिन लेके 10.5 इंच लेना है। हाइट का ज्यादा होता है उस टाइम भी 11 भी हो सकता है। तो ये बस्ट पॉइंट है। अभी यहाँ से एपेक्स पॉइंट लेना है। एपेक्स पॉइंट कैसे लेना है, जितना आपकी फुल बस्ट है फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है। तो यहाँ पे देखिए 41 अगर आपका अपर चेस्ट होता है उस टाइम पे फुल बस्ट मिनिमम, हर किसी का सेम नहीं होता है, किसी किसी का 43 होता है, किसी किसी का 44 होता है, 45 भी होता है, ये हर किसी का अलग अलग होता है। तो देखिए नॉर्मली ये मेजरमेंट होता है 44, तो 44 अगर होता है ना इसको 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करने से ये 4.4 इंच आता है। अभी यहाँ से तो टक्स के लिए ना ये 4.4 पे देना है, मतलब 4.5 पे आप निशाना लगा लो, सीधा इसको नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ तक दोबारा से बोलना चाहूंगी, फुल बस्ट का ज्यादा होता है उस टाइम पे टक्स ज्यादा करके देना है, फुल बस्ट का छोटा है तो यहाँ पे टक्स आपको छोटा करके देना है। तो टोटल मैं यहाँ पे 3.5 इंच रखूंगी क्योंकि बिग साइज का ब्लाउज है, तो जितना मिलाना इसको ऐसे देखिए रख दो, फोल्ड कर दो, दूसरी साइड पे सेम ऐसे। अभी यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ लेना है 1.5, इस साइड पे भी सेम 1.5। अभी तीनों पॉइंट को मिलाना है। लेना अभी यहां से देखिए मेजरमेंट लेना है, आप यहाँ पे 4.5 इंच रख दो, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। यहाँ पे हल्का सा जरूर आपको कटिंग करते टाइम शेप देना है, हो गया। लेकिन इसमें आपको और एक शेप देना है, तब फिटिंग सबका बहुत ही अच्छा होगा, इस तरीके से कोशिश कीजिएगा आपको ऐसे देने के लिए, तब देखिएगा यहाँ पे फिटिंग सबका बहुत ही अच्छा होगा। इसमें हल्का सा गुलाई देना है, हो गया। इसमें देखिए और कुछ भी नहीं करना है, आपका कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें देखिए आपको सीधा एक टक्स देना है। बिग साइज के लिए कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एक टक्स देने का, यहाँ पे टक्स देने से अच्छा होता है। सॉरी, यहाँ पे और एक बात रह गया है, इस सेट पे कोई भी टक्स नहीं रखूंगी, इस सेट पे कोई भी टक्स नहीं रखूंगी, जिसके कारण इसको तिरछा करना है, जो पॉइंट है ना इसको तिरछा करना है। अभी इस सेट पे देखिए हुक और आई के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है इस सेट पे, और यहाँ पे देखिए बास्ट पॉइंट है, पहले बास्ट पॉइंट भी निशाना लगा लो, और यहाँ पे सिलाई के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना है, और नीचे आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब यहाँ पे काट ला के रख दो, सेम इस पे भी काट ला के रख देना है। तो एक पार्ट यहाँ पे हो गया है, अभी दूसरा पार्ट यहाँ पे ले लो। इसमें भी देखिए सिर्फ यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है इसमें, बाकी कहीं पे एक्स्ट्रा लेने का कोई भी जरूरी नहीं है, जैसे है बिल्कुल वैसे काट कर।
कटिंग यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अस्तर देना है तो सेम आपको अस्तर भी काट कर लेना है। देखिए अभी सिलाई कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को अर्जेंट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वो वीडियो देख के आप सिलाई कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है किस तरीके से ब्लाउज कटिंग करना है आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिखना, मैं दोबारा सबको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा इस ब्लाउज की सिलाई के साथ, तब तक के लिए सबको टाटा।